बीसीसीएल एरिया 4 के वेस्ट मोदीडीह में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग माइंस प्रबंधक के खिलाफ मार्क्सवादी युवा मोर्चा बाघमारा कमेटी ने आर पार की लड़ाई को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कंपनी में स्थानीयता के आधार पर नियोजन की मांग संबंधी 6 सूत्री मांग पत्र पूर्व में ही प्रबंधन को सौंपा गया था, उस पर कोई पहल नहीं की गई। आज इन्हीं मांगों के लिए मार्क्सवादी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में मुख्य रूप से मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन महतो उपस्थित हुए, कई स्थानीय कार्यकर्ता भी धरने में शामिल हुए। धरनार्थियों की माने तो पूर्व में भी इसी कार्यस्थल पर आउटसोर्सिंग कंपनी संचालित थी, जिसमें कि स्थानीय युवा कार्यरत थे। उन पूर्व आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी वर्तमान आउटसोर्सिंग कंपनी ने प्राथमिकता नहीं दी। उन कर्मियों के साथ बेरोजगारी की समस्या होने के कारण पलायन को मजबूर है, जबकि हेमंत सरकार की यह घोषणा है कि किसी भी निजी कंपनी के 75% स्थानियों को रोजगार देना अनिवार्य है, ऐसा नहीं हुआ। वहीं इस माइन से प्रभावित कई बस्तियां हैं, पर आज तक किसी बस्ती के लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया। एक सप्ताह का लेटर हमने दिए थे प्रबंधन को वार्ता के लिए, चलिए भाई वार्ता कर लीजिए हमसे, क्या लगाइएगा आप हमारा मैंने श्रमिक लड़कों लोग के या नहीं। तो एक सप्ताह के वार्ता में आए ही नहीं, हमसे वार्ता कुछ किए ही नहीं। तो एक दिवसीय धरना हम लोग दिए हुए हैं, उसके बाद 15 दिन के लेटर फिर हम लोग देंगे वार्ता के लिए कि वार्ता कीजिए हमसे, नहीं करेंगे तो फिर 16वां दिन में हम लोग को चक्का जाम रहेगा। यही क्या है, यहाँ 24-25 लड़का ऐसा है जो कि सतभाव जो पहला मैंने आउटसोर्सिंग जो आए थे कंपनी उसमें वो लड़का काम करते थे, कामगार थे, और वो चल गया कंपनी सद्भाव, तो वो भी बेरोजगारी बैठे हुए। स्थिति बहुत गंभीर है उनका घर का, मैंने बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं कर पा रहा है, घर चलना मुश्किल है, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेगा जी। आप लोग समझ सकते हैं इस बात का, हम लोग के लड़का लोग जो है पढ़े लिखे लड़के लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं घर में, मैंने बाहर जाने का कंगार में है, सोच लीजिए। जबकि कंपनी हमारे घर के समीप आई हुई है, भूमि कंपनी, और उसके बाद हम लोग का यहाँ समीप लड़का लोग के, जबकि मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि 75% जो मतलब कंपनी का अगल बगल का हो वो उसमें कार्यरत होना चाहिए, लेकिन एक भी इसमें अगल बगल वेस्ट मोदी ना खासी जुआ ना तेतुलमारी ना पांडेडी ना नया मोड़ कोई एक भी लड़का यहाँ इस कंपनी में कार्यरत में नहीं है। देखिए मार्क्सवादी युवा मोर्चा केवल युवाओं का लड़ाई नहीं लड़ रहा, यहाँ पर रैयत हो गया, विस्थापित हो गया, यहाँ जो परियोजना से इफेक्टेड लोग जो है, जो प्रभावित परिवार हैं, उन लोगों को लेकर हम लोगों ने एक लड़ाई एक मुखर तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो भूमि जो कंपनी है ये झारखंड में पहला कंपनी है जो मुख्यमंत्री को, जो उनका जो वक्तव्य था कि 75% लोगों को नियोजन दिया जाएगा जो परियोजना से इफेक्टेड लोग जो लोग हैं उन लोगों के लिए, लेकिन उनका ताक में रहकर कंपनी जो है किसी एक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया। इससे पूर्व सद्भाव वगैरह सारा चीज़ चला, लेकिन उनका जो मजदूर था उन मजदूरों को भी नहीं रखा। आज उनका मजदूर जो पूर्व के जो मजदूर थे उनका परिवार और बाल बच्चा आज सड़क पर है, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई ठेला बेच रहा है, कोई खमोचा बेच रहा है, लेकिन ये कंपनी ऐसे परिवार को दयनीय स्थिति में डाल दिया है, जो उस परिवार के लोग जो प्रभावित लोग हैं आज हम लोग के साथ में है, आज धरना पर उपस्थित है। हम सारे लोगों को लेकर, रैयत विस्थापित यहाँ के जो प्रभावित परिवार है उन लोगों को लेकर आज हम एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, और हम 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं कंपनी को। अगर 15 दिन के अंदर कंपनी कोई स्वार्थपूर्ण वार्ता अगर नहीं करता मार्क्सवादी युवा मोर्चा से, तो 16वें दिन हम लोग पूरे कंपनी का चक्का जाम करेंगे, जिसके लेकर हमें अगर जेल भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार।